तो ये सीडलिंग है एडिनियम अरेबिकम का, और इस वैरायटी का नाम है गोल्डन टैंक। और इनमें भी देखिए धीरे धीरे पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। ये देखिए ये पत्तियाँ, इसकी कुछ पत्तियाँ सूख रही हैं। और ये है एडिनियम ओबिसम के वैरायटीज़। तो इन प्रकार के सीडलिंग्स की केयर हमें विंटर सीजन में करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं देखिए ये लगभग 8 महीने का यह सीडलिंग है जिसे मैंने पहले ट्रांसप्लांट कर लिया है। और अभी ये नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है और हमारे यहाँ काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो क्या आपने भी एडिनियम के सीड्स लगाए हैं और उसकी सीडलिंग्स तैयार किए हैं? क्या आपके भी एडिनियम के सीडलिंग्स अभी छोटे हैं, या फिर आपके भी एडिनियम के सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करने के लायक हो गए हैं? तो क्या हमें एडिनियम के सीडलिंग्स को हमें सर्दियों के मौसम में बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में हम अपने एडिनियम के सीडलिंग्स को किस प्रकार से केयर करें कि यह सर्दियों को झेल सके और यह बखूबी आगे अपना ग्रोथ करता रहे, और यह जनवरी फरवरी तक ट्रांसप्लांट करने के लिए हम इसे बचा कर रखें। नहीं तो इसमें कई बार होता है ये सूख जाते हैं, इसमें फंगस का ग्रोथ हो जाता है, इसके अनडेवलप्ड कॉर्डेक्स हैं उसमें रॉट की समस्या यानी सड़न की समस्या भी देखी जाती है। और इसके लिए मैं आज आप लोगों को दो चार प्रोडक्ट्स बताऊंगा, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं सर्दियों में इनके जड़ों को और मजबूत करेंगे और सर्दियों में पड़ने वाले विपरीत कंडीशन को झेलने की इनमें शक्ति बढ़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि इन सीडलिंग्स को हमें एक ऐसा खाद देना चाहिए जो कि इसके रूट्स के ग्रोथ को भी प्रमोट करे और इनको सर्दियों से लड़ने की क्षमता का भी विकसित करे। तो उसके लिए हम ले रहे हैं ये देखिए ह्यूमिवी के पावर प्लस, और यह ह्यूमिक एसिड है। और यह इसमें केवल ह्यूमिक एसिड ही नहीं, इसमें ह्यूमिक एसिड है, फुलविक एसिड है, पोटाशियम है। तो दोस्तों बता दूं, यह ह्यूमिक एसिड जो होता है यह पाउडर फॉर्म में या ग्रैन्यूल फॉर्म्स में या लिक्विड फॉर्म्स में आता है, लेकिन ये वाला जो है यह ग्रैन्यूल फॉर्म्स में है। तो इसका आप 2.5 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला करके मिक्स कर दीजिए, और इसका कलर भी इस प्रकार से ब्लैक हो जाता है, और इसको आप इसकी पॉटिंग मीडिया में दें। इस प्रकार से पॉटिंग मीडिया में दें, और इसको देने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो उग आए किसी भी प्रकार के खरपतवार वीड्स को आपको साफ़ कर देना है। ये देखिए मैंने पहले ही साफ़ कर रखा है, और इसकी हम फोलियर स्प्रे भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि इसमें कई सारे पत्ते सूख चुके हैं, इन पत्तों को भी हमें हटा देना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से आप इसके सूखे हुए पत्तियों को साफ़ करके हटा दें, क्योंकि यह नमी पकड़ करके रखेगा और इसी से जो है फंगल का ग्रोथ भी होता है। और इसका हम फोलियर स्प्रे भी कर देंगे इस प्रकार से। तो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको साइड कर देते हैं ये, और इस ह्यूमिक एसिड का हमें कब प्रयोग करना है, इसे हमें बार बार प्रयोग नहीं करना है, इसे आप महीने में बस एक बार दीजिए, यही काफ़ी होगा। और इसके लिए देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो एडिनियम के सीड्स हम मंगाते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और जब इसमें एक दो प्लांट्स मर जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और बात केवल पैसों की नहीं है, हम एडिनियम लवर्स हैं तो एक दो प्लांट भी अगर मर जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, और इसीलिए हमें एडिनियम की अभी अच्छी केयर करनी है, और इन एडिनियम्स को नेक्स्ट ट्रांसप्लांटिंग तक यानी फरवरी तक हमें इन्हें किसी भी प्रकार से बचा करके रखना है। अगला जो पॉइंट है इसकी फर्टिलाइजिंग की, तो देखिए दोस्तों जब ये डोरमेंसी में जाते हैं उस समय ग्रोथ या तो स्लो हो जाता है या ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाता है। इस समय हमें देना चाहिए सीविड फर्टिलाइज़र, और ये देखिए मैं यूज़ करता हूँ सी सीक्रेट का, और ये जो है इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों प्रदान करता है, जो
जो सर्दियों में इसे और भी अधिक मजबूत बना देता है और यह सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये लिक्विड सी सीक्रेट है। तो इसको इसकी मिक्सचर बनाने से पहले इसे हमें शेक कर लेना चाहिए और इसमें लगभग हम 5 बूंद 1 लीटर पानी में मिला देंगे और इसका अच्छा सा सॉल्यूशन बना लेंगे। और यह सीविड फर्टिलाइज़र का सॉल्यूशन तैयार करके इसका हम फोलियर स्प्रे कर देंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे जब करते हैं उससे कम से कम 15 से 20 दिनों बाद ही आप सीविड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कीजिए। इस सीविड फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे हर कम से कम 25 से 30 दिनों में एक बार इसका भी आप स्प्रे कीजिए। यह इन छोटे सीडलिंग्स के लिए काफ़ी रहेगा। अब अगला बात कर लेते हैं। देखिएगा, इन सीडलिंग्स में मिली बग्स का भी अटैक होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो इसमें देखिए, ये वाइट वाइट जो है आपको नज़र आएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप कम से कम हर 20 से 25 दिनों में एक बार किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव इसमें ज़रूर कीजिए, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार का स्पाइडर माइट्स या फिर मिली बग का अटैक ना हो और आपके पौधे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। पॉइंट नंबर 4, अब इसमें हमें किसी भी प्रकार के फंगल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है और इसमें फंगस के ग्रोथ को नहीं होने देना है। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये साफ का फंगिसाइड। आप कोई भी सिस्टमिक फंगिसाइड लीजिए और उसका 2.5 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसके मिक्सचर को इस पर स्प्रे कीजिए और इसके पॉटिंग मीडिया में भी दीजिए, जिससे कि यह इसमें किसी प्रकार का फंगस का ग्रोथ ना हो। और ध्यान रहिए, आप सिस्टमिक फंगिसाइड का यूज़ कीजिएगा, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड उसके लिए होता है जब बहुत अधिक इसमें फंगस का ग्रोथ हो चुका होता है और उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं वाटरिंग की। देखिए दोस्तों, ठंड में क्या होता है कि मिट्टी कब सूख जाती है और एडेनियम के प्लांट्स इसी तरह से सिकुड़ने लगते हैं और यह हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए आप इसके वाटरिंग शेड्यूल को भी ध्यान दीजिए। जब भी इसका पॉटिंग मीडिया ऊपर से सूखा हुआ नज़र आए तो इसमें पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी ये बेबी एडेनियम्स जो हैं ये डेवलप पूरी तरह से नहीं हुए होते हैं और इनका कॉडेक्स भी बहुत अधिक मोटा नहीं हुआ रहता है जिसमें कि वो पानी स्टोर कर सकें। इसलिए इसमें हमें रेगुलर वाटरिंग करने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, ओवर वाटरिंग से भी बचें और जब भी इसका पॉटिंग मीडिया सूख जाए उसे आप इस प्रकार से निकाल करके चेक कर लीजिए, सूखा महसूस हो रहा है तभी इसमें वाटरिंग कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सनलाइट की। तो देखिए, सनलाइट तो इसे चाहिए ही चाहिए और दिन भर की सनलाइट यदि आप दे सकें तो बहुत ही बढ़िया। इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे दिन भर की सनलाइट मिल सके और नहीं तो कम से कम 5 से 7 घंटों की धूप तो अवश्य देनी ही चाहिए। और ऐसे भी ठंड के मौसम में धूप बहुत तेज़ नहीं होता है, जो भीनी भीनी धूप होती है वो इसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और इस समय जब धीरे धीरे ये डोरमेंसी में जाते हैं तो इसके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके पत्तों को आप झड़ने दीजिए। हाँ, और यदि पत्ते सूख करके उसी में लटक चुके हैं तो उसको आप निकालते ही भी रहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेन बात है कि इसे हम ठंड से कैसे बचाएं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ठंड के मौसम में क्या होता है, ओस बहुत अधिक गिरता है, कई बार तो पाला भी गिरता है और कई बार वातावरण में धुंध भी बढ़ जाता है, जो इन छोटे बेबी सीडलिंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अब हम बात करते हैं इसको हम लोग रात के ठंड से कैसे बचाएं। तो देखिए, इसको अगर आपके पास कम सीडलिंग्स हैं तो इसको आप रात में किसी शेड में रख दीजिए या किसी खिड़की के छज्जा के नीचे रख दीजिए और इसे फिर सुबह इसे निकाल करके धूप में रख दीजिए, तो यह आसान होगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक मैं बहुत ही सिंपल सा आइडिया करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा कैमरा को बैक करता हूँ और फुल व्यू दिखाता हूँ आपको। तो जैसा शाम होता है उस प्रकार से यदि आपके पास कोई पुराना टेबल है तो उसके नीचे आप अपने सीडलिंग्स के पॉट्स को इस प्रकार से रख दीजिए। ये देखिए, मैं रख दे रहा हूँ।
ये देखिए, ये पॉलीथीन का टेबल शीट है, बस इसको इस प्रकार से ढक दीजिए। और इस तरीके से आपके एडिनियम के सीडलिंग्स रात के ओस से भी बच जाएंगे, किसी प्रकार के अगर पाला गिरता है उससे भी बच जाएंगे, और सुबह होते ही बस आप इसको हटा दीजिए। ये इस प्रकार से, और इसमें सनलाइट भी पड़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह जुगाड़? ना पॉली हाउस बनाने की झंझट, ना तो सीडलिंग पॉट्स को बार बार बाहर धूप में निकालने की, फिर उसे छज्जे में के नीचे या शेड में लेकर के रखने की किसी तरह का झंझट। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर यह जुगाड़ कैसा लगा, और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।